दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को हार्दिक पांड्या से अच्छा कप्तान मानते हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, हार्दिक की कप्तानी में हैदराबाद की टीम ने ठोके 277 रन और मुंबई की टीम को थमा दी सबसे बड़ी हार। तो रो पड़े रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या को कप्तानी से हटाने की तत्काल की मांग, और फिर जो कहा वो सुनने के बाद पूरा भारत देश कर रहा है सलाम। तो दोस्तों, आखिरकार रोहित शर्मा अच्छे दोस्त होने के बावजूद भी हार्दिक पांड्या के ऐसा क्या बोल गए उन पर कि आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी सुनकर। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में से कौन अच्छा कप्तान और बल्लेबाज, अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप तो जानते हैं कि हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल का 8वां मुकाबला खेला गया, जहां इस मैच में हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस जैसे मजबूत बॉलिंग लाइनअप को छोड़ा नहीं और 277 रन बनाकर 278 रन का लक्ष्य उनके आगे रख दिया। इस दौरान आपको हम बता दें कि हैदराबाद के लिए हेनरिक क्लासे ने जहां 80 रन बनाए वो भी मात्र 34 गेंदों पर, तो वहीं अभिषेक शर्मा ने 63 रन की पारी खेली। और ट्रेविस हेड का तो क्या ही कहना, उन्होंने तो 24 गेंद पर 62 रन जड़कर हैदराबाद को अच्छी शुरुआत दिलाई थी। इस दौरान बस जसप्रीत बुमराह ऐसे गेंदबाज रहे जिनकी ज्यादा पिटाई हुई नहीं, बाकी तो हर एक मुंबई का गेंदबाज पिटता हुआ ही नजर आया। और यहां मुंबई इंडियंस की टीम जब जवाब में उतरी तो शुरुआत तो ऐसा लग रहा था कि मुंबई इंडियंस की धमाकेदार हुई है और इस मैच को मुंबई इंडियंस आज जीते बिना जाएगी नहीं। इस बीच रोहित शर्मा और ईशान किशन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 3.2 ओवर में ही 56 रन बना दिए थे। यहां पर ईशान किशन भले 34 रन बनाकर आउट हुए वो भी 13 गेंदों पर, तो रोहित शर्मा का विकेट 26 रन पर गिरा। और ये दोनों बल्लेबाज जब आउट हुए तो नमन धीर और तिलक वर्मा ने पारी को संभाला, जहां दोनों बल्लेबाजों ने स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन नमन धीर जब 30 रन बनाकर आउट हो गए तो तिलक वर्मा ने अपना जादू चलाया और 34 गेंदों पर 64 रन बनाकर मुंबई की आस को जगाकर रखा इस मैच को जीतने की। लेकिन दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने यह मुकाबला मुंबई इंडियंस की टीम को हरवाया, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने मुश्किल परिस्थितियों में भी मात्र 20 गेंदों पर 24 रन बनाए, बल्कि उनसे अच्छी बल्लेबाजी तो टिम डेविड करके गए जिन्होंने 42 रन बनाए। और दोस्तों, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि बतौर कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया नहीं, और यही कारण रहा कि हार्दिक पांड्या की वजह से मुंबई इंडियंस की टीम को इस मैच में इतनी बड़ी 31 रन की हार मिली। हालांकि यह पिच बड़ा स्कोर बनाने के लिए काफी असरदार थी और इस मुकाबले में हार जाने के बाद रोहित शर्मा काफी गुस्से में नजर आए, जहां उनका पूरा ठीकरा हार्दिक पांड्या पर फूटा। और फिर रोहित शर्मा ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हार्दिक पांड्या ने मुझे नीता अंबानी मैम से कहकर कप्तानी से हटवाया और अब खुद नादानी करके हमारी टीम को लगातार 2 मुकाबले वो हरा चुका है। हार्दिक की कप्तानी मेरी समझ से परे है। हार्दिक पांड्या जब तक गुजरात की टीम में था तब तो मुझे भी लग रहा था कि काफी अच्छा कप्तान है, हमारी टीम को अच्छे से संभालेगा, इसी वजह से मैंने मुंबई की कप्तानी से विड्रॉल लिया। लेकिन यहाँ मुझे नहीं पता था कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी में हमारी टीम इतनी कमजोर हो जाएगी कि वो मैदान पर हमारी बातें सुनेगा ही नहीं। मैं उसको आज समझाता रह गया कि भाई जसप्रीत बुमराह को ओवर दे, उससे गेंदबाजी करवा, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और खुद ही अपने हिसाब से गेंदबाजों को सेलेक्ट करता रहा और खूब रन उसने पड़वाए। हालांकि खुद भी गेंदबाजी के लिए वो आ तो रहा था, लेकिन उसको पता है कि अभी वो पूरी तरह से गेंदबाजी कराने के लिए फिट नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी मेरी बात वहां भी उसने नहीं मानी। हालांकि मैं यह नहीं कह रहा हूं कि लगातार हमें हार्दिक की वजह से मुकाबले हारने के लिए मिल रहे हैं, हमारी टीम में थोड़ी सी कमियां हैं, हमारा गेंदबाजी सेक्टर अच्छा नहीं है, तो बल्लेबाजी में भी हमारे खिलाड़ी अंत तक ले जाकर मुकाबले को जिता नहीं पा रहे हैं। भला 278 रन के स्कोर पर भी हमारी टीम मात्र 31 रन से हारी है, ये किसी भी टीम के बस की बात नहीं होती। अगर कोई हमारी और जगह टीम होती तो वो कम से कम आज 100-150 रन से हारती, लेकिन हैदराबाद की बल्लेबाजी का तो आज मैं भी दीवाना हो गया। और जिस तरह से अभिषेक शर्मा ने बल्लेबाजी की है, नया उभरता हुआ सितारा हम सभी को देखने के लिए मिलने वाला है आगे आने वाले वक्त में। तो दोस्तों, यहाँ पर रोहित शर्मा ने बतौर वो भले कप्तान नहीं है लेकिन फिर भी ऐसी बातें कहकर हार्दिक पांड्या पर उन्होंने करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। लेकिन अब आप क्या मानते हैं कि रोहित शर्मा ने अभी भी कोई गुजारिश नहीं किया उनको कप्तान बनाने की? क्या उनको कप्तान अब नीता अंबानी को बना देना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।